और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना उपचार कर सकते हैं। हरिओम, मैं योगाचार्य विष्णु आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल योग गुरु विष्णु में। और आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक चिकित्सा। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा है क्या। प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि प्रकृति से होने वाली चिकित्सा। इस चिकित्सा से हम अपने शरीर के रोगों का या अपने शरीर का उपचार करते हैं, तो उस चिकित्सा को बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। और इसमें हम केवल पंच तत्वों का यूज़ करते हैं। जो पंच तत्व हैं, जैसे आकाश हो गया, वायु है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है और पृथ्वी तत्व है। इन्हीं पांच तत्वों के उपयोग से हम अपने शरीर की चिकित्सा करते हैं। यह चिकित्सा इतनी ही पुरानी है जितने की स्वयं प्रकृति है। हमारा शरीर का निर्माण भी पंच तत्वों से ही हुआ है, और हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, और वो सारी चीज़ें हमें प्रकृति से ही मिलती हैं, पंच तत्वों से ही निर्मित होती है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, जब हम जो भी चीज़ें खाते हैं फिर पीते हैं, उनमें केमिकल का बहुत अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण हमारा शरीर उससे इफ़ेक्ट होता है और हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में हम जितने भी रोग हैं, जितने भी रोगों के जो भी कारण हैं, उन सब की चिकित्सा करते हैं, और उन सारे जो टॉक्सिन्स हैं या फिर जो विजातीय तत्व हमारे शरीर में होते हैं, उनको सबको आउट कर लेते हैं, ताकि आपके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग ना हो। और प्राकृतिक चिकित्सा में हम केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी चिकित्सा करते हैं, तो जिससे आपके फिर फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और जो स्पिरिचुअल बॉडी है, वो सारे स्वस्थ रहते हैं। और इसमें हम केवल पंच तत्वों का ही उपयोग करते हैं। पंच तत्व यानी कि आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि। तो इन्हीं पंच तत्वों का उपयोग करके हम अपने शरीर की चिकित्सा करते हैं। जैसे आकाश तत्व की बात करते हैं, तो आकाश तत्व में सबसे बहुत ही लाभकारी क्रिया है उपवास, और इसका अलग अलग धर्मों में भी इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन है। और ये बहुत ही लाभकारी, अगर किसी को वेट लॉस करना है या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या स्किन से फिर ब्लड से किस रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, उपवास चिकित्सा उसके लिए बेस्ट चिकित्सा है। और अब बात करते हैं वायु चिकित्सा की। वायु के लिए प्राणायाम, अगर आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, तो उसके लिए आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम से आप केवल अपने शरीर का उपचार ही नहीं बल्कि अपनी नाड़ियों की शुद्धि कर सकते हैं, और इससे फिर आपका मन भी शांत रहता है। और जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, तो वो भी अपने आप को इससे उपचार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल चिकित्सा की। जल में भी हमारी बहुत प्रकार की चिकित्सा है, जैसे हॉट फुट बाथ है, ठंडा गर्म स्नान है, स्टीम बाथ है, और इसी में बहुत सारी चिकित्सा हैं जिनके उपयोग से हम अपने शरीर की चिकित्सा कर सकते हैं और अपने शरीर से टॉक्सिन्स को आउट करते हैं। और अब बात करते हैं हम सूर्य चिकित्सा की, यानी कि अग्नि तत्व की। जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ज्वाइंट कमज़ोर होते हैं, शरीर में वीकनेस फील होती है, तो वो सूर्य स्नान ले सकते हैं, फिर जिसको सनबाथ भी बोलते हैं। और ये बहुत ही लाभकारी है जिनको विटामिन डी की कमी होती है। वो सुबह जैसे सूर्योदय के समय में आधा घंटा, 15 मिनट सूर्य का स्नान ले सकते हैं, तो आप अपने शरीर में विटामिन डी की भरपूर मात्रा में ले सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और अब है हमारा अगला तत्व पृथ्वी तत्व। सो इसमें भी बहुत सारी उपचार क्रियाएं हैं, जैसे मड पैक है, मड स्नान है, जो मिट्टी स्नान भी बोलते हैं जिसे, और इसी में पेडू की पट्टी है, आंखों की मिट्टी पट्टी है, माथे की मिट्टी पट्टी है, और बहुत सारे ऐसे उपचार हैं जिनसे हम अपने शरीर के टॉक्सिन्स को आउट करते हैं। और सबसे मेन बात है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा को स्वयं से भी कर सकते हैं, और इसीलिए इसको स्वचिकित्सा यानी कि सेल्फ हीलिंग थेरेपी भी बोलते हैं। और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी पंच तत्व हैं वो हमारे आसपास ही हैं। मिट्टी हमारे आसपास है, आकाश तत्व तो है ही, और हवा, जल, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास ही है, और इनके लिए हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना उपचार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।